जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम सीखते हैं मूंगफली के भरवा बैंगन। इसके लिए मैं ये छोटे साइज के गोल बैंगन का यूज कर रही हूँ। आप भी हमेशा बैंगन जब चूज करें तो हमेशा ध्यान रखें कि वो सॉफ्ट हो और उसमें बीज ना हो। तो चलिए आज हम सीखते हैं इसकी रेसिपी। और सबसे पहले हम इसकी देखते हैं सामग्री। मैं 200 ग्राम बैंगन ले रही हूँ जिन्हें मैंने धोकर पोंछकर बीच में से कट लगा लिया है। 100 ग्राम मूंगफली जिन्हें मैंने भूनकर छिलके हटाकर उनको इस तरीके से छोटे टुकड़ों में कर लिया है। आप इसको मिक्सर में ग्राइंड ना करें, नहीं तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा तो इसमें इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए आप इसको इसी तरह के टुकड़ों में रखें। लहसुन मिर्ची अपने स्वादानुसार यूज करें, मैं एक चम्मच यूज कर रही हूँ। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर। मैं 2 प्याज का यूज कर रही हूँ, इन्हें हमें बिल्कुल बारीक काटना है। 1 हरी मिर्ची। मैंने प्याज और हरी मिर्च को बारीक कर लिया है, अब हम इसमें सभी को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। लहसुन, ये अपनी मूंगफली, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक स्वादानुसार। अब हम इन सब मसालों को मिक्स कर लेते हैं। ये मसाला हमें थोड़ा सूखा लग रहा है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज्यादा पानी मिक्स नहीं करें, बस मसाला गीला हो जाए उतना ही पानी डालना है। हमने अपने बैंगन में इस तरीके से कट लगा लिया है, अब हम इसमें मसाला भर लेते हैं। मसाले को अच्छे से दबाते हुए भरना है और जितना आ जाता है उसके अंदर भर दीजिए आप। देखिए इस तरीके से फिलिंग करनी है, मसाला अच्छा भरना है इसमें। हमने अपने सारे बैंगन को मसाले से अच्छी तरीके से भर दिया है। हमारा काफी सारा मसाला बच गया था तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब हम जब सब्जी बनाएंगे बैंगन की तब उसमें इसका यूज करेंगे। हम ये बैंगन कढ़ाई में नहीं कुकर में बनाएंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं। अब हम इसमें अपने एक एक करके सारे बैंगन डाल देते हैं। ये देखिए बैंगन, आपको इसको बिल्कुल अभी चम्मच से नहीं हिलाना है, नहीं तो इसका सारा मसाला बाहर आ जाएगा। अब हमने जो बचा हुआ मसाला है वो हम इसमें डाल देते हैं। हम इसी मसाले में थोड़ा सा पानी मिक्स करके डाल देते हैं। बस हमें अब इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है और हमें कुकर को बंद करके एक सीटी तक वेट करना है। हमने इसमें पानी सिर्फ उतना ही डाला है जितने में ये पक जाए, उससे ज्यादा आपको पानी नहीं डालना है। अब हम इसमें एक सीटी ले लेते हैं। ये मैं कुकर खोल के सबसे पहले आप लोगों को दिखा रही हूं। ये देखिए मैंने अभी तक इसको चम्मच से बिल्कुल नहीं छुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छे से पक चुका है और इस पर मसाला बहुत अच्छे से लग गया है चारों तरफ।
और ये देखिए साइड में तेल वगैरह भी प्रॉपर तरीके से निकल गया है, मतलब आपका बैंगन बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला था, सिर्फ जितना पकने के लिए ज़रूरत थी उतना ही डाला था, आप भी ज़्यादा नहीं डालें। अब मैं आपको इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे मूंगफली के जो हमने मसाले वाले बैंगन भर के बनाए थे वो तैयार हो गए हैं। आप इसे गेहूं की रोटी या चाहे तो मक्की की रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।